हेलो फ्रेंड्स, वी वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग, जो कि रिसेंटली आरबीआई ने रेगुलेशन में लाया है कि जो भी अब बैंक के लेंडिंग रेट होंगे वो अब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक होंगे, जो कि जनरली रेपो रेट होती है। ये सर्कुलर आया है वो 4 सितंबर 2019 को आया है। रिजर्व बैंक हैज कंस्टिट्यूटेड एन इंटरनल स्टडी ग्रुप फॉर एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम। इसकी जो फाइनल रिपोर्ट आई थी वो ISGA की, वो अक्टूबर 2017 में आई थी, जिसको RBI ने फर्दर पब्लिक फीडबैक के लिए रखा था। ISGA ने ऑब्जर्व किया था कि जो इंटरनल बेंचमार्क हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो उतना ट्रांसमिशन नहीं देते हैं रेपो कट का जितना कि मिलना चाहिए। तो इस सब को डील करने के लिए जो स्टडी ग्रुप था ISGA, उसने रिकमेंड किया कि जो भी बैंक है वो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को अडॉप्ट करे, जिसके बेस्ड पे वो लेंडिंग रेट अपने डिसाइड करे। Now RBI has decided to link all new floating rate for personal and retail loans. Retail loans में आपका housing, auto ये सब आएंगे। इसके बाद जो MSE है यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल enterprises, उनको भी किसी एक्सटर्नल रेट से जोड़ना होगा। जो इसकी डेडलाइन है वो है 1 अक्टूबर 2019। All the new loans, personal, retail and micro and small enterprises, जो भी बैंक का प्रोवाइड करेगा विद इफेक्ट 1 अक्टूबर 2019, वो किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होने चाहिए। और इसमें जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है वो हो सकते हैं RBI पॉलिसी रेट, जो कि आपका रेपो रेट होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मंथ ट्रेजरी बिल की यील्ड पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको FVIL बोलते हैं, फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6 मंथ के ट्रेजरी बिल यील्ड पब्लिश्ड बाय FVIL और एनी अदर बेंचमार्क पब्लिश्ड बाय FVIL। इन चारों में से बैंक कोई भी एक रेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। बैंक आर फ्री टू ऑफर सच एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन टू अदर टाइप्स ऑफ बोरोवर एज वेल। अभी RBI ने बोला है कि केवल आप पर्सनल, रिटेल और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए एटलीस्ट दीजिए, उसके अलावा भी अगर बैंक चाहे तो वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी इस तरह के रेट अनाउंस कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए RBI ने बोला है कि जो पर्टिकुलर लोन स्कीम है, जैसे कि रिटेल लोन, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस और आपका पर्सनल लोन, इन सब में यूनिफॉर्म बेंचमार्क विद इन ए कैटेगरी होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि पर्सनल लोन के लिए आपने 2 तरह के रेट रिकमेंड किए हैं और 2 बेंचमार्क रेट के हिसाब से आप इन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। पर्सनल कैटेगरी के लिए केवल एक होगा, रिटेल कैटेगरी के लिए केवल सिंगल एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट होगा, और जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी एक सिंगल एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट रहेगा। नाउ स्प्रेड अंडर एक्सटर्नल बेंचमार्क। जो स्प्रेड होता है किसी बेंचमार्क या बेस रेट के ऊपर या MCLR के ऊपर, वो बैंक फ्री है डिसाइड करने के लिए। और जो आप क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है वो जब ही चेंज करना होगा हमको, जब कोई भी जो बारोवर है वो उसका क्रेडिट असेसमेंट डिग्रेड होता है या इंक्रीज होता है। फर्दर अदर कंपोनेंट ऑफ स्प्रेड इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कुड बी ऑल्टर्ड वंस इन अ 3 ईयर, वो 3 साल में एक ही बार चेंज किया जा सकता है। रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अंडर एक्सटर्नल बेंचमार्क, इसमें जो
एक्सटर्नल बेंचमार्क के रेट हैं वो कम से कम 3 महीने में एक बार आपको रीसेट करने हैं। जनरली अभी क्या होता है एमसीएलआर में, वो मंथली रीसेट होते हैं, लेकिन इस केस में कम से कम 3 महीने में एक बार आपको मिनिमम रीसेट करना ही है। इसको इसलिए आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि जो आरबीआई रेट डिसाइड करता है रेपो रेट के, वो जनरली 3 महीने में एक बार वो चेंज होते हैं। नाउ ट्रांजिशन टू एक्सटर्नल बेंचमार्क फ्रॉम एमसीएलआर बेस रेट और बीपीएलआर। बारोर के पास ये ऑप्शन है कि वो एमसीएलआर बेस रेट या बीपीएलआर से इन रेट पे स्विच कर सकता है, या चाहे तो उनको कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर उसको स्विच करना है तो उसमें भी कुछ कंडीशंस आरबीआई ने लगाई हैं। जो पर्टिकुलर उसका लोन अभी चल रहा है वो विदाउट प्री पेमेंट चार्जेस होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए फॉर स्विच ओवर टू एक्सटर्नल बेंचमार्क विदाउट एनी चार्जेस फी एक्सेप्ट रीजनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल कॉस्ट। जो फाइनल रेट है वो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उस लोन का उसके इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपने नया बेंचमार्क से लिंक किया है उसको वो एग्जिस्टिंग रेट से ज़्यादा हो जाए। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो इसके टर्म्स हैं स्विच ओवर के टू एक्सटर्नल बेंचमार्क, ये म्यूचुअली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल टर्म्स होने चाहिए। बैंक भी इस पे एग्री हो और बारोर भी एग्री हो, तभी हम किसी भी लोन को स्विच ओवर कर सकते हैं टूवर्ड्स एक्सटर्नल बेंचमार्क। और दूसरा है कि जो स्विच ओवर है वो एज ए फॉर क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसको कंटिन्यूटी में लिया जाएगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।